भारतीय जनता पार्टी के वैशाली नगर विधानसभा से घोषित प्रत्याशी रिकेश सेन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नवरात्र के प्रथम दिवस रविवार को सुपेला के गदा चौक में किया गया। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता यहां पर बड़ी संख्या में शामिल रहे। विधानसभा वैशाली नगर विधानसभा पाटन विधानसभा का एक हमारा कुछ हिस्सा हमारे यहाँ आता है। किस किस मुद्दे पे लड़ा है? ये चुनाव हम लड़ रहे हैं अपने कार्यक्रम के हिसाब से और कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज पौने पाँच साल में हमने देखा है कि किस तरह से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, अनाचार किया है, दुराचार किया है, बेरोजगारों के साथ मजाक किया है, महिलाओं के साथ जिस तरह से अनाचार हो रहा है, सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया जा रहा है, शराब घोटाला हो रहा है, PSC घोटाला हो रहा है, गोल घोटाला हो रहा है, सारे घोटालों की सरकार है ये और घोटालों का सरदार भूपेश बघेल है। इसको हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी दृढ़ संकल्पित है और निश्चित रूप से हमारा सारा का हमारे कार्यकर्ता हमारे पूरे उमंग के साथ पूरे उत्साह के साथ मैदान में निकल गए हैं और इस 2023 के चुनाव में उसको धूल चटाएंगे। कांग्रेस हारेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भारी बहुमत से विजयी बनेगी। वो भी तैयारी उसकी हो गई है, आरोप पत्र तो हमारा जारी हो ही गया है। अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे, जो पिछले रिकॉर्ड हमारे रहे हैं वो सब ब्रेक हो जाएंगे। आज उनके जन्मदिन पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो सदायु हों, दीर्घायु हों और आने वाले विधानसभा के चुनाव में सर्वोच्च पद में पहुँचे, ये मेरी कामना है। आज शुभ मुहूर्त में माता का पहला दिन है और इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस वैशाली नगर विधानसभा में 242 बूथ आते हैं, 242 बूथ का संचालन यहाँ से होगा। कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। आज के बाद विधिवत यहाँ से कार्यकर्ता 242 बूथ में कैसे काम करना है, क्या करना है, उसकी पूरी योजना बना करके आम जनता के बीच पहुँचेंगे और आम जनता के बीच पहुँच करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से निकल करके बूथ बूथ में जाएगा, पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा और पार्टी को विजयश्री दिलाने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वैशाली नगर सहित पूरे प्रदेश से भारी बहुमत से विजयी रहेगी और खास तौर से भिलाई विधानसभा के हमारी 5 विधानसभा आती हैं, 2 भिलाई और विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के इस चरण में आ चुकी है। वैशाली नगर विधानसभा के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। अब जो है इस केंद्रीय कार्यालय वैशाली नगर विधानसभा के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय विशेष पिछुआ जी ने किया है। अब यहां से संचालन चालू होगा कि प्रत्याशी की भूमिका क्या होगी, उनको किन किन वार्डों में दौरा करना है, सुबह कहाँ जाना है, शाम कहाँ जाना है, कौन से सामाजिक बैठक में जाना है और हमारे कार्यकर्ताओं के मंडल के पदाधिकारियों की, जिला पदाधिकारियों की क्या भूमिका होगी, इस जिले के इस कार्यालय से, केंद्रीय कार्यालय से ये भूमिका तय की जाएगी। यहाँ पे सभी लोग लगभग यहाँ पे हैं, जिले भर के जो पदाधिकारी है, और संतोष वाली कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी निर्दलीय नहीं लड़ता, उनको मालूम है कि ये पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हम लोग एक कार्यकर्ता है।